हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी हेडर। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं की है प्रिपरेशन, तो आप अभी से स्टार्ट कर दें। एपीटी हेडर चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर आपको 6 मंथ के अंदर अपने को क्या करना है, एनसीईआरटी को कम्प्लीट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर एक फोल्डर सर्च करेंगे, फोल्डर का नाम है एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन क्लास 10। पूरी मैथमेटिक्स आपको जो है इस फोल्डर के अंदर मिलेगी। तो 1x1 जितने भी लेक्चर्स हैं उसको आप कंटिन्यू देखते रहें। मैं गारंटी देता हूँ कि 6 मंथ के अंदर अपने को एनसीईआरटी क्या करनी है, फिनिश करनी है। उसके बाद देखेंगे कि बाद में कौन कौन से रेफरेंसेस बुक यूज़ करना है या कौन से सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना है, वो बात की बात है। फिलहाल इससे पहले का जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको कराया था कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स। अब उन्हीं नंबर्स को लेकर एक थ्योरम बनाई गई है। इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अंदर। 100% इस थ्योरम से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलने वाला है। और ये चैप्टर का जो वेटेज है वो आपका 6 मार्क्स का है। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन इसके अंदर आया था आपका 2 मार्क्स का, और एक आया था 3 मार्क्स का, और एक आया था 1 मार्क का। तो टोटल 6 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे, टारगेट करेंगे कि 6 out of 6 इस चैप्टर से हम क्या कर सकें, ला सकें। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब नंबर्स को लेकर बात करेगा। अरिथमेटिक मीन्स नंबर्स को लेकर बात करेगा। वो दोनों नंबर कौन से होंगे, एक प्राइम नंबर होंगे, है ना, एक कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर, और दूसरा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं और आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले देखिए, मैंने डिटेल में बात करी है, लेकिन इन शॉर्ट में बता देता हूँ तभी समझ में आएगी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर प्राइम कब कहलाता है, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 3 है, तो इसमें 2 ही फैक्टर होंगे, 1 होगा 3 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 3 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर 1 और नंबर के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है किसी नंबर का, तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसका उल्टा कंपोजिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4, तो 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी नंबर कंपोजिट कब कहलाएगा, व्हेन इट हैज़ एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। 1 और नंबर्स के अलावा कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो मैंने इन शॉर्ट आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। अदरवाइज आप इससे पहले इसके एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा लिंक, वहाँ से आप जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। क्लियर, तो देखिए ये थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, ज़रा वो भी सुनिए। जैसे मैंने अगर कोई कंपोजिट नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 6 ले लिया, क्लियर, अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, समझना बात हो, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली बच्चे या टीचर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या करना नहीं चाहते हैं, या फिर बच्चे समझना नहीं चाहते हैं, दोनों ही बातें हैं इसके अंदर। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 6 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, यही तो फैक्टर होंगे। क्लियर, ये फैक्टर का मतलब क्या है, ये इसको कम्प्लीटली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर हमको फैक्टर से कुछ लेना देना नहीं है, ये वाले फैक्टर्स है, ठीक है। हम इसमें क्या यूज़ करेंगे कि 6 को हम इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं 6 को प्राइम नंबर से डिवाइड करूँ, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। क्लियर, तो 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 के बराबर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और यहाँ भी 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर नहीं आएगा। दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस जो बच्चों को साइकोलॉजिकल दिमाग में समझ में आना चाहिए, तभी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर जनरल फैक्टर की बात नहीं करता है, कौन से फैक्टर की बात करता है, प्राइम फैक्टर्स की। इज दैट क्लियर, है मन में लड्डू फूटो, तो चैनल को फटाफट क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर कोई भी कंपोजिट नंबर को आप रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से फैक्टर की बात करेंगे, प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे। क्लियर, तो कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो आप उसको क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 ले लो, है ना, कंपोजिट नंबर है ये, तो प्राइम फैक्टर से डिवाइड करिए। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, या प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 6 जा,
है ना, 2 3 जा, ये तो कर सकते हैं। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, तो ये 2 की पावर 2 × 3। अब डेफिनेशन को आप और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या बोला, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, लिख सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर अपनी देसी भाषा में बात करूँ ना, लोकल लैंग्वेज में, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, तो सीधा सा नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, हम दर्शा सकते हैं। क्लियर, बात खत्म हो गई। दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। चलिए अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं कुछ और बातें बताता हूँ तभी लिखवाऊँगा मैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 12 का मैंने अभी क्या लिखा, 2 की पावर 2 × 3, ये तो लिखा। अब ज़रा सोचने वाली बात है, जैसे 12 के मैंने प्राइम फैक्टर क्या किए, 2 6 जा 2 3 जा। अब सुनते रहना, यहाँ पर क्या आया, 2 × 2 × 3। इसको अगर मैं 3 × 2 × 2 लिख दूँ या 2 × 3 × 2 लिख दूँ, तो क्या प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट वही रहेगा, है ना, कंपोजिट नंबर वही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में जब लिखते हैं, तो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर कुछ भी रह सकता है। क्लियर। लेकिन ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ये हमेशा क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे। क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे। ऑर्डर कुछ भी रहे, है ना, ऑर्डर कुछ भी रहे इसमें, चाहे 2 पहले आए 3 बाद में आए, लेकिन ये नंबर जो हैं 2 और 3, है ना, इसके अंदर 2 प्राइम आ रहे हैं, 1 2 आ रहा है और 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ये कांस्टेंट रहेंगे, इसके लिए फिक्स रहेंगे ये, है ना। अब कैसे फिक्स रहेंगे, इस बात का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 12 का स्क्वायर कर दें, किसका स्क्वायर कर दें, 12 का, तो देखिए ये 2 की पावर 2 × 3 है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो मैंने 2 की पावर 2 × 3 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 4 × 3 स्क्वायर। अब बताओ, पहले भी 2 थे, है ना, पहले भी 2 था प्राइम फैक्टर और 3 था, दोनों ही तो थे और अभी भी दोनों ही हैं, है ना। तो अगर आप किसी कंपोजिट नंबर पर उसकी पावर कितना भी इनक्रीज़ करें, लेकिन बेस के जो भी बेसिक प्राइम फैक्टर होंगे वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। हाँ, ऑर्डर इसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पावर इसकी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। अब यहाँ पर आप 12 की पावर 3 कर दें, तब भी इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही रहेंगे। अब वो कितने रहेंगे, इस बात पे मैटर नहीं करता है, लेकिन 2 और 3 ही रहेंगे। इसमें कोई फैक्टर, प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ सकता या कोई प्राइम फैक्टर 7 नहीं आ सकता, हमेशा 2 और 3 ही रहेंगे इसके अंदर। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है और आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 ले लो, तो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2। अब 4 के जो प्राइम फैक्टर है उसके अंदर सिर्फ 2 ही आ रहा है एक प्राइम फैक्टर। अब आप 4 की पावर 2 करो, चाहे 4 की पावर 3 करो, चाहे 4 की पावर 100 करो, प्राइम फैक्टर 2 ही आएगा। अरे बात समझ में, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता। देखिए कैसे, अब ये 2 की पावर 2 है, ये 4, और इसकी पावर 2 कर देंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो प्राइम फैक्टर 2 ही तो आ रहा है। अब ये 2 की पावर 3 हो गया, तो 2 की पावर 6 हो गया। ये 2 की पावर 100 हो गया, तो ये 2 की पावर कितना हो गया, 200। तो देखिए इसमें प्राइम फैक्टर 2 ही रहेगा, ना इसके अंदर 3 आ सकता है ना 5 आ सकता है। तो हर किसी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम्स होते हैं ना, वो यूनिक होते हैं। क्या होते हैं, यूनिक। और इसी बात को हम बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलते हैं, यूनिकनेस ऑफ, मैं तेनू प्यार करदा, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैंने लिख दिया, आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को लेकर, ठीक है। और इसी को जब हमारे समझ में आ जाए, या आई होप सो आ गया होगा, तब हम इसकी क्या लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे और कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। फिर इसके बाद हम एक एक्सरसाइज लगाएंगे, दैट इज़ 1.1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, डेफिनेशन लिख लीजिए आप। देखिए, एनी
कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, है ना, कॉमा दीज फैक्टराइजेशन आर यूनिक, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, 4 की पावर कुछ भी रख लो आप, तो हमेशा क्या रहेगा इसका प्राइम फैक्टर 2 ही रहेगा, 2 के अलावा कोई और नहीं आ सकता। तो वही बात बोल रहा है कि दीज फैक्टराइजेशन आर यूनिक। क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दीज फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखें क्या होगा कि ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका यूनिक होगा एक्सेप्ट, लिखिए एक्सेप्ट, फटाफट लिखेंगे, फ्रॉम द ऑर्डर। अब इसमें मैंने तो ऑर्डर की बात करी थी, जैसे 12 था तो 12 को आप 2 × 2 × 3 भी लिख सकते हैं, 2 × 3 × 2 भी लिख सकते हैं, और 3 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। इस बात पर ये डिपेंड नहीं करता है, क्लियर, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें लिखने का तरीका यही है कि प्राइम नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर प्राइम फैक्टर्स अकर, प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है, लिख लीजिए। ये डेफिनेशन हो गई इसकी, मतलब दोनों बातें इसके अंदर जो हैं इन्वॉल्व हो गई हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच लिख लीजिए, इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई इसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब इसी चीज़ को लेके मैं और थोड़े कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका 24 ले लो, है ना, तो 24 को आप क्या लिखेंगे, 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3, क्लियर। पहले बचपन में आप ऐसे करते थे, है ना, 2 से 12 ऐसे तो करते, लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे, अब इस तरह से करेंगे, और इसको हम ट्री डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ट्री डायग्राम। ये पेड़ की तरह बनता है तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया है, ट्री डायग्राम दे दिया है, क्लियर। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 की पावर 3 × 3, क्लियर। तो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब बोला है दीज फैक्टराइजेशन इज यूनिक, कहने का मतलब 24 के ये जो फैक्टर हैं 2 और 3 ये यूनिक हैं, ये फिक्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। आप पावर चाहे कितनी लगा दो, 24 की पावर 100 लगा दो, आप कितना भी लगा दो, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर क्या हो जाएगा, 100, तो 2 की पावर 300 × 3 की पावर 100, आई बात समझ में। 2 और 3 रहेंगे, प्राइम फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होंगे, एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 पहले आ सकता है, 3 बाद में आ सकता है, 3 पहले आ सकता है, 2 बाद में आ सकता है, इस बात पे कोई मैटर नहीं करता है, क्लियर। तो दिस इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बस इतनी सी बात अपने को समझनी है, और इसी बात को लेकर बहुत सारे इसके अंदर क्या मिलेंगे अपने को, क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, देखिए कैसे। ये जो बात कही है इसने कि जैसे 4 है तो 4 × 2 की पावर 2 हो गया, अब आप 4 की पावर कुछ भी लगाइए, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो बेसिक फैक्टर रहेगा वो हमेशा 2 ही रहेगा, 2 कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसको लेकर कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं समझा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसका हमें यूज़ कहाँ पर करना है, क्लियर। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहली एप्लीकेशन तो इसकी होती है टू फाइंड द HCF एंड LCM। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है कि आप इसका यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, HCF और LCM निकाल सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आपने 8th क्लास के अंदर इसको यूज़ किया गया होगा HCF LCM निकालने के लिए, है ना। और दूसरा,
दूसरा जो है इसका कोई पर्टिकुलर जैसे नाम नहीं दे सकते, आप एग्जांपल के थ्रू क्या कर सकते हैं इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पर, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे HCF LCM का मैं आगे लेक्चर में बात करूँगा कि किस तरह से HCF LCM निकाला जाता है, थोड़ा सा इधर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 4n कोई नंबर है और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n belongs to natural number, n किसको belong कर रहा है, natural number को, क्लियर। अब वो बोला है कि n की किसी वैल्यू के लिए क्या इसके लास्ट में कोई डिजिट जीरो आ सकता है क्या, है ना। ये एग्जांपल है, वो मैं समझाऊंगा आपको कि इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कैसे यूज़ किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर 1 ले लूँ तो ये 4 आएगा, 2 ले लूँ तो 16 आएगा, 3 ले लूँ तो 64 आएगा, तो इसके एंड में एक 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इस तरह से तो नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं। इस तरह से तो ये प्रोसेस क्या होता चला जाएगा, बहुत लेंदी होता चला जाएगा, कहाँ तक आप चेक करेंगे, क्लियर। और थ्योरम इसीलिए बनाई जाती हैं कि लेंदी प्रोसेस को इन शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर n है तो आपको उस नेचुरल नंबर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, पहले 4 के फैक्टर करिए, तो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 की पावर कितना हो गया n, तो 2 की पावर 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितना हो गया 2n। अब ज़रा सोचिए, 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर, है ना, और इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। अब आप n की वैल्यू कुछ भी रखिए, क्योंकि मैंने यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अभी पढ़ा है, मैंने n की वैल्यू कुछ भी रखी है, क्या 2 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर इसमें आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये गारंटी है, है ना। यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी देता है कि इसके अलावा 2 के अलावा इसके अंदर 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर में कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता, तो इसका प्राइम फैक्टर 2 ही रहेगा। अब ज़रा सोचिए, जिसका प्राइम फैक्टर केवल 2 रहता है तो क्या उसके एंड में 0 आ सकता है, है ना। अब मसला ये है कि ये भी पता होना चाहिए कि एंड में 0 किसके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 है तो इसके एंड में 0 आता है, 20 है इसके एंड में 0 आता है, 430 है इसके एंड में 0 आता है, तो जिसके एंड में 0 आएगा तो पक्का वो किसका मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल होगा, और 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो वो या तो 2 और 5 दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए। अब इसके अंदर 2 तो है लेकिन 5 गारंटी से नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है कि जो भी इसके यूनिक फैक्टर है इसके अलावा किसी भी पावर के लिए कोई और भी प्राइम फैक्टर इसके अंदर नहीं हो सकता। अब जब नहीं हो सकता तो गारंटी से उसके लास्ट में 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 10 बनेगा ही नहीं, या वो 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 है ही नहीं तो डिविजिबल कहाँ से होगा, तो इसलिए इसके एंड में 0 नहीं आएगा, क्लियर। तो देखिए मैं इसको लिखवा देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखें टेढ़े टेढ़े मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आए, ठीक है। मान लो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर। चेक करिए कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट जीरो। आई बात, कुछ क्वेश्चन पहली बात तो समझ में आना चाहिए, और दूसरी बात ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी नंबर के एंड में डिजिट जीरो कब होता है, जब वो 2 और 5 दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, है ना, या वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 0 तभी तो होगा जब वो 10 का मल्टीपल होगा, और 10 का मल्टीपल होगा तो वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए, तभी तो आएगा। अब देखिए यही बात यहाँ पर लिखी जाएगी, क्या आंसर हम कैसे लिखेंगे इसका, ज़रा सोचिए कि द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी वैल्यू फॉर एनी
value of n ends with digit 0, with digit 0, if it is divisible by 5, अगर ये 5 से क्या हो, divisible हो, but the prime factorization of 4 की power n, ऐसे लिख लो 2 इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n वुड कंटेन ओनली 2 वुड कंटेन ओनली 2 सो देयर इज नो अदर प्राइम 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n है ना वुड कंटेन ओनली 2 सो देयर इज नो अदर प्राइम 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कुछ भी रखिए लेकिन 5 नहीं आने वाला है यहाँ पर ठीक है सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर है ना इस पे गारंटी भी लिख सकते हैं कि गारंटीज देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर इन 4 की पावर n सो 4 की पावर n विल नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n थोड़ा लिखने में अजीब सा है लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके तभी आप इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है अब मैं इसको आप जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो मैं इसको लॉजिकली आपके दिमाग में फंसा देता हूँ कि कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इस टाइप के नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसके बेस के जो भी फैक्टर आएंगे वो यूनिक होंगे यूनिक का मतलब एन का नंबर आप कुछ भी चेंज करें 1000 1,00,000 जितनी भी पॉसिबिलिटी आप सब लगा दें लेकिन भैया ये बंदा अपनी जगह पर अड़ा रहेगा ये चेंज नहीं होने वाला है या इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्राइम फैक्टर का क्या रहेगा 2 ही रहेगा अब यहां पर 0 लाने के लिए इसके एंड में 5 का होना जरूरी था लेकिन यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता 5 तो दूर की बात है कोई और भी नहीं हो सकता इसके अंदर जब नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है कि एन की आप करोड़ों वैल्यू लगा दो कुछ भी लगा दो लेकिन इसके एंड में 0 नहीं आएगा क्लियर तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है तो मैं HCF LCM जो है वो डायरेक्ट आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज के थ्रू एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे क्लियर करेंगे बड़े रैपिड इंडिया के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में